अश्वनी कुमार जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे देश की भावना के लिए इतना कुछ देश की जनता के लिए सोच रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मैं। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में इस समय हम बुनकर कॉलोनी है, जो रसूलपुरा इलाका है बनारस का, वहाँ पर मौजूद हैं। आप बुनकर समाज के लोग भी हमारे साथ हैं और कुछ संभ्रांत लोग हैं, इन्हीं से हम चर्चा करेंगे। देखिए, कोरोना की चौथी लहर, ऐसा कहा जा रहा है कोरोना की चौथी लहर की शुरुआत हो चुकी है। चाइना में इस पर, चीन में तगड़ा असर देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक बैठक कर रहे हैं और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं पूरे देश में क्या होना चाहिए। तो कोरोना की जो लहर होती है, एक लोगों के मन में डर पैदा करती है। हमारे साथ जो लोग हैं, इन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि क्या अगर कोरोना आता है तो आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या भाव आता है, क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका, सबसे पहले आप ही बोलिए। अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जी, क्या कहेंगे, कोरोना की चौथी लहर की बात चल रही है, अगर कोरोना बीमारी हिंदुस्तान में आती है, पहले तो बहुत कुछ देखने को मिला है, मंजर खौफनाक था, तो आपको तहस नहस हो गया, तहस नहस हो जाता है, लेकिन उसके बचाव भी किया जा सकता है कोरोना को लेकर, क्या करते हैं आप, युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना ये चाहेंगे कि जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे थोड़ा देखभाल की जाए कि यहाँ तक ना आ सके, इससे पूरा बनारस जो कि परेशान हो जाता है इसको लेकर, उसका बनारस क्या पूरा देश, हाँ, उसके पहले उसको रोक दिया जाए तो अच्छा है ना, है इसीलिए। आपको क्या लगता है किस तरीके से रुक सकता है? जब आगे वाले जो हमारे यहाँ जो बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये लोग तो सब देख ही रहे हैं, जब ये लोग करेंगे तब ना हम लोगों से चिल्लाने से क्या होने वाला है, हम लोग उनको दूर आदमी है, नहीं उनको करना पड़ेगा, लेकिन एक आम जनता की भी जो जिम्मेदारी होती है, आप क्या समझते हैं, अगर मैं पूछूं, अगर सरकार जो कर रही है ठीक है, हम क्या करेंगे? हम अपना बचाव करेंगे और क्या करेंगे, जो हमसे हो सकेगा हम अपना करेंगे। हर आदमी अपने में परेशान रहेगा कि कौन किसको चक्कर में पड़ रहा है इस समय जो हाल चल रही है। जी, हर आदमी तो अपने में परेशान है भाई, हर आदमी अपने में परेशान है। क्या कहेंगे मोइन जी आप? पहले तो मैं न्यू भारत चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि देश के भावना के लिए कुछ सोचती है, और अश्वनी कुमार जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे देश की भावना के लिए इतना कुछ देश की जनता के लिए सोच रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मैं। और कोरोना के लेके जो चाइना में लहर जिस तरह चल रही है, उसके लिए उसको लेके लोगों को हिंदुस्तान में भी काफ़ी होशियार रहना पड़ेगा, हिंसा से रहें, अपने अपने बच्चों को भी इस मुसीबत से बचाने की कोशिश करें, बच्चों को मास्क वगैरह लेके चलें। और देश में जब कोई परेशानी होती है तो जाति किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आती है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए आती है, और हिंदुस्तान में अब जनता अपनी रक्षा खुद करेगी तो कुछ होगा, जनता की रक्षा के लिए ही सारी चीज़ है, जनता अपनी रक्षा खुद करेगी तभी होगा, ना तो मुख्यमंत्री करेगा ना प्रधानमंत्री करेगा, हमारी अपनी सुरक्षा हमको खुद समझदारी से करना होगा तभी कुछ होगा। बहुत सही बात आपने कही, आप बुज़ुर्ग हैं, आपने तो कोरोना किसी ने नहीं देखा था, आपने अपनी ज़िंदगी में भी नहीं देखा था, हमने भी नहीं देखा था, कैसा अनुभव रहा, और एक बार फिर चर्चा हो रही है, ये बड़ी बात है कि लोग बहुत कुछ जान चुके हैं अब इस बीमारी के बारे में, एक बारे में जान चुके हैं कि बीमारी कैसे ख़त्म होगी, सफाई हो, सफाई जितना हो अपनी भी सफाई करें और सरकार भी उस पर कुछ ध्यान दे। तो आप अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में सावधानी से रहें, कूड़ा करकट जैसे देना चाहिए उस तरह कूड़ा करकट समय पर दे के सफाई बात रखें, सारी चीज़ समस्या देखिए अपने ही से तय कर सकती है जनता, कोई आगे नहीं तय कर सकता, डॉक्टर वो अपना दवा दर्पण करेगा, उस मुसीबत से बचना है तो अपने आप को खुद सुरक्षित रखना पड़ेगा, मुसीबत से बचना है तो खुद सुरक्षित रखना पड़ेगा। क्या नाम है आपका सर? नूरुद्दीन। क्या कहेंगे आप कोरोना बीमारी को लेकर, एक हलचल सी फिर मची है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले बार तबाही हुई है वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आपको भी लगता है क्या? हाँ, कोरोना एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, लेकिन इस ताल्लुक से जितना सरकारें जो कोहराम मचाती हैं वो बहुत ही गलत है। हाँ, जिस तरीके से कोई तरह से कोहराम मचाती है सरकार कि कोरोना आ गया, अब एक लॉकडाउन, जिस तरीके से एक मजदूरों के अंदर जो बातें जाती हैं, जो दूसरे यहाँ जाकर काम कर रहे हैं और दूसरे जो छोटे मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो एक तरह से उनके दिल के अंदर हलचल पैदा होती है कि यार अब क्या करेंगे, फिर साल दो साल लॉकडाउन लग जाएगा, अब क्या मतलब कि उनको ऐसी इस तरीके से उनको
मोटिवेशन देना चाहिए कि वो समझे कि नहीं, बीमारी तो आएगी, थोड़ा बचाव करना होगा, अगर आती है तो उनको एक इत्मीनान के तरीके से उनको कुछ करना दीजिए। इनके कहने का मतलब ये है कि जब किसी प्रकार की बीमारियां आती है और सरकार उसका मतलब अपने से तो ख्याल करेगी नहीं, तुमको अपना ख्याल खुद करना पड़ेगा। जब कोई किसी प्रकार की बीमारी आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा समस्या क्या होता है, गरीब परिवार पहले ही से सोच कर रोने लगता है कि आने वाले हम किस तरह रोटी खाएंगे, किस तरह मुसीबत को झेलना है, हमको कारोबार नहीं मिलना है। यही उनके कहने का मतलब है कि हमको कारोबार नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से रोटी खाएंगे, कहाँ से बच्चों को खिलाएंगे। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अभी से सावधान रहना पड़ेगा, अभी से सावधान रहना पड़ेगा। आपसे पूछूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अंसारुल हक जी, इनका सवाल जो है कि देखिए सरकार बहुत डरा देती है, लॉकडाउन लगा दिया जाता है, एक कोहराम समझ जाता है, आप क्या कहेंगे? देखिए सभी लोगों का अपना अपना तर्क है, लेकिन देश की जनता की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह समस्या बहुत गंभीर है, कोरोना जैसी बीमारी महामारी से भारत और पूरी दुनिया झेल चुकी है। इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, तमाम लोग अपने स्तर पर मीटिंग कर रहे हैं, पर ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो आज हिंदुस्तान के अंदर घूम रहे हैं, ये बहुत गंभीर समस्या। इसी तरह जब कोरोना में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में ताला लगाया तो वो अपनी जगह पर सही निर्णय लिया था, गलत नहीं लिया था। ये केजरीवाल ने दिल्ली से जनता को निकाल दिया और पूरे देखे देखे पूरे हिंदुस्तान के लोग अपने अपने पूरे पैदल यात्रा करने लगे और पूरे हिंदुस्तान में महामारी की लहर फैल गई। फिर ये देश को मैं तमाम जनता से कहना चाहता हूँ कि ये दोबारा गलती दोहराने की कोशिश और कृपया न करें, इससे किसी भी प्रकार से रोका जाए। भारत जोड़ो यात्रा एक गंभीर चीज़ है, सरकार अगर इस पर बैन लगाएगी तो इसमें बोलेगी कि मतलब कि राजनीति हमसे डर रही है, लेकिन जनता के लिए सोचना बहुत जरूरी चीज़ है। सच है कि भारत जोड़ो यात्रा एक लंबा काफिला चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। निश्चित तौर से स्वास्थ्य मंत्री ने भी उनको रिक्वेस्ट किया है कि इसको आप रोकिए, क्योंकि इससे हो सकता है कुछ बयार भाई 101% इसी से पूरे भारत के अंदर पे फैलेगा। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, और ये आने वाला अगर लोग देश की जनता इस पर विरोध नहीं करेगी, कमेंट नहीं करेगी और एहतियात नहीं करेगी, तो फिर देखिएगा जो हिसाब से अभी हाल में कोरोना का दौर बीता हुआ है, बस कैसे कैसे लोगों ने अपना जीवन बिताया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को अनाज का सहारा दिया था, ये बहुत बड़ा कदम था भारत की सरकार का। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने और भारत ने कोरोना पे अपनी जो पकड़ थी वो बनाई, बाकी मुल्कों में जिस तरह की तबाही थी, हिंदुस्तान में आबादी के को देखते हुए कम हुई, ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, आप चाइना में देखिए, चाइना कितना शक्तिशाली देश बनता है दुनिया के अंदर, पर आ गया ना फिर, क्योंकि उसकी वैक्सीन खराब थी। तमाम वैक्सीन लगने के बाद भी वहाँ महामारी शुरू हो चुकी है। अगर भारत इस पर नहीं चेतेगा, ये भारत जोड़ो यात्रा को नहीं रोकेगा, भारत की जनता नहीं रोकेगी, तो ये समस्या फिर से खड़ी होने वाली है, इसे मैं दावे के साथ कहता हूँ आपसे। आप क्या कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, दरअसल भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी के लोग खुद बौखलाए हुए हैं। अगर सरकार कोई एडवाइजरी जारी करती है अपनी तरफ से, जो सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए ना हो बल्कि पूरे देशवासियों के लिए हो, तब तो ठीक है, वरना बीजेपी की भी तो यात्रा चल रही है, जन आक्रोश रैली चल रही है, कर्नाटक के अंदर चल रही है और राजस्थान के अंदर भी थी और अभी किसी और राज्यों में चल रही है। तो ये सिर्फ देश की फिक्र नहीं है इनको, बल्कि राहुल की और कांग्रेस जनों की फिक्र है इनको, कि बोल रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा पर गतकन लगाया जाए, ये किया जाए, ये बिल्कुल बिल्कुल ये मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं ये हाँ जी हाँ जी, ये किसी पार्टी को लेकर नहीं कहा जा सकता। भारत जोड़ो यात्रा जो अंसारुल हक साहब ने कहा था, ये जनता जैसे कि कहा जाए कि जगह जगह केवल भारत जोड़ो यात्रा के क्यों बैन की बात उन्होंने कही है, मैं समझ सकता हूँ। जो पोजीशन से उसमें हर शहर की भीड़ चलती है और वो हर शहर से होते हुए आ रहे हैं, कोरोना के मारे मारी का समय है और इस तरह मतलब फैल रहा है कि यहाँ की सरकार हुई या यहाँ की जनता हुई, वो नहीं चाहती उस मुसीबत से हम दोबारा जीजें। तो इनका भी कहना सही है कि देखिए भारत जोड़ो यात्रा हो या किसी भी पार्टी की कोई भी यात्रा हो, अगर उससे खतरा महसूस होता है उस पर सारी पार्टी के लिए यात्रा, अगर किसी भी पार्टी से कोई यात्रा चल रही है उसको रोका जाए, हिंदुस्तान की जनता उसे रोके। अन्यथा मैं किसी पार्टी से नहीं कह रहा हूँ, जनता उसे रोके, अपने शहर को अपने देश को वो बचाने की पूरी पूरी कोशिश खुद जनता करे, वो सबसे बेहतर होगा। ये राहुल और कांग्रेस और मोदी की बात नहीं है, आपसे हम एक सवाल करना चाह रहे हैं कि अगर देखिए कोरोना आता है,
आपको क्या लगता है सरकार ऐसी क्या योजनाएं ला सकती हैं, पहले भी थी, आप क्या जागरूक कर सकते हैं कि जिससे लोगों को फायदा होगा कोरोना का? देखिए, जैसे भाई साहब ने कहा कि हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, किसी पार्टी लेवल पर नहीं, एक भारत के नागरिक की एक जिम्मेदारी हर लोगों की होती है, उस तरह हमारी है और सभी की होना भी चाहिए। लेकिन ये तो सवाल है कि भीड़ से ही तमाम ये महामारी फैलती है और सभी के अंदर उसका असर है कोरोना का, तो कृपया इस एंगल को हटा दे राहुल और बीजेपी और कांग्रेस, ये सब हटा के हमें देश की सुरक्षा के बारे में सोचने का चाहिए। और ये भारत जोड़ो जो यात्रा है ये डेंजर जोन पैदा करेगा, इतना मेरा दावा है। आपकी आवाज़ निश्चित तौर से पहुंचेगी और इस पर चर्चा भी हो रही है और मुझे लगता है जागरूक नागरिक के नाते इसको रोकेंगे भी। आपसे आपसे मेरा हिमाचल के मुख्यमंत्री जी ने इसमें हिस्सा लिया और वो पॉजिटिव पाए गए। अच्छा, उसमें पॉजिटिव पाए गए, ऐसी रिपोर्ट आ रही है और बढ़ रहा है। तो चाइना और भारत का सवाल नहीं, महामारी तो महामारी है, ये किसी जाति धर्म की नहीं होती है, ये किसी पार्टी लेवल की नहीं होती है, ये देश के लोगों की जिम्मेदारी है कि ये कैसे इससे हम लड़ के इसको मतलब कि ख़त्म किया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि रहना है तो हिंदुस्तान की हमको रक्षा करना है, हिंदुस्तान की जनता की रक्षा करना है। हिंदुस्तान में अगर हम हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हम एक आम नागरिक होकर, किसी पार्टी लेवल से नहीं होकर, आम जनता को लेकर उसकी रक्षा करने के लिए जहाँ 50 आदमी की भीड़ है वहाँ जाके समझाने का कार्य करें कि भैया आप लोग, कोरोना का समय चल रहा है, आगू कोरोना से काफ़ी जीत चुके हैं, अब आगू आने वाली परेशानियाँ जो आगू से चल रही है, ऐसा ना हो कि हमारे हिंदुस्तान पे आ जाए। हिंदुस्तान की जनता को खुद हिंदुस्तान की जनता को जागरूक करना पड़ेगा, हिंदुस्तान की जनता को जागरूक करना पड़ेगा। देखिए, कोरोना काल गुजरा है और एक ऐसा काल रहा है जब लोग अपनों की ही जो डेड बॉडी होती थी परिजनों की, उसको भी छूने से डरते थे और यहाँ तक हुआ था, याद कीजिए कि जब मुंबई या प्रदेश से कोई आदमी कमा के घर आता था, ये कह दिया कि हम कोरोना काल में अपने घर लौट रहे हैं, तो घरों के कई जगहों पर दरवाजे बंद कर दिए गए। यहाँ पर किसी धर्म जाति मजहब की बात नहीं है, यहाँ पर देश की बात है, हमारे समाज की बात है और जागरूकता की बात है। निश्चित तौर से कोरोना को लेकर चर्चा का दौर शुरू हो चुका है और हम यही चर्चा करने यहाँ पे आए हैं। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।